आपने कभी ना कभी लाइफ में चाहा होगा कि आप जानवरों से बात कर पाते। आपने कुत्ते के सामने भौंका भी होगा जिससे कि शायद वह कुछ समझ सके, पर खैर कुछ ना हुआ होगा क्योंकि कुत्ते ने आपसे वापस भौंक कर बात नहीं की होगी। पर क्या हो अगर वो मुड़कर आपसे बात कर पाते? साइंटिस्ट तो इस चीज पर रिसर्च भी कर रहे हैं जिससे कि वह जानवर की भाषा समझ पाने के साथ साथ जानवरों के साथ बात भी कर पाए, जिससे कि जानवर और इंसानों के बीच की जो दूरियां हैं वह खत्म हो जाएंगी। पर ये कब पॉसिबल होगा, कब हम जानवरों से बात कर पाएंगे? एनिमल्स हमारी तरह भाषा नहीं बोलते, पर वो आवाज निकालते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाते हैं, साथ ही वह अपने बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करते हैं। पर हमें यहाँ पर कम्युनिकेशन तथा भाषा के बारे में डिफरेंसेस को समझना होगा। कम्युनिकेशन वह होता है कि हम एक मैसेज को दूसरे तक किसी भी रूप में पहुंचा रहे हो, बस सामने वाले को उस बात को समझ आना चाहिए। चाहे आप हैंड जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन जैसे भी करो, बस आपके मैसेज सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए। वही लैंग्वेज में क्या होता है कि हम अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं जिससे कि एक मैसेज और अच्छे तरीके से रिसीवर के पास जाती है। बहुत सारे केसेस में लोगों ने यह क्लेम किया कि एनिमल्स की भी भाषा होती है और हमें बस उस भाषा को सीखना होगा, पर ये एक्सपेरिमेंटली आज तक कभी प्रूफ नहीं हुआ क्योंकि भौंकने की आवाज को हम भाषा नहीं बोल सकते। पर साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ एनिमल्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैनर में कम्युनिकेट करते हैं जो कि लगभग लैंग्वेज के आसपास है। डॉक्टर स्लोबोड शिकोव सालों से प्रेरी डॉग की आवाज पर स्टडी कर रहे थे। इस स्टडी में उन्होंने यह पाया कि यह प्रेरी डॉग अपने साथियों को बता सकते हैं कि कोई उनका शिकार करने आ रहा है। यह अलग अलग तरह की आवाज निकालकर यह बता सकते हैं कि वह शिकारी जंगली जानवर है, पालतू जानवर है या फिर कोई इंसान है। इंसानों में तो यह एक दूसरे को यह भी बता सकते हैं कि उस इंसान ने किस कलर के कपड़े पहने हैं, साथ ही इंसान का शेप, साइज, फिर चलने की गति क्या है, यह एक दूसरे को सब बता सकते हैं। प्रेरी डॉग्स के आवाज को सालों तक रिकॉर्ड कर हम फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। साइंटिस्ट ने एक पूल में एक अंडर वाटर टच स्क्रीन को लगाया और उस पूल में डॉल्फिन्स और डॉल्फिन्स उस स्क्रीन में मनचाही चीजों पर क्लिक कर सकते थे। इससे साइंटिस्ट को पता लगेगा कि डॉल्फिन किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। साथ ही यह टच स्क्रीन डॉल्फिन्स की हर हरकत तथा आवाजों को भी रिकॉर्ड करता है, जिससे कि फ्यूचर में हम डॉल्फिन्स के चॉइस और आवाज से यह पता लगाएंगे कि कब कब यह अलग अलग तरह के आवाज निकालते हैं, जिससे कि एक दिन हम डॉल्फिन्स से उनके ही भाषा में बात कर पाए। पर क्या हम किसी जानवर से उस भाषा में बात कर पाएंगे जिसपे कि हम इंसान बात करते हैं? सालों से साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि वह एप्स को अमेरिकन साइन लैंग्वेज सिखा सके। वॉशु नाम के एक फीमेल चिंपैंजी को स्पेस में भेजने के लिए अमेरिकन एयरफोर्स ने उसे बचपन में पकड़ लिया था। बचपन से उसे इंसानों के बच्चे की तरह पाला गया था और उसे बचपन से साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया गया। इस कारण वॉशु 200 साइंस को समझने लगी थी। वही कोको द गोरिल्ला भले ही बात नहीं कर पाता था, पर वह ह्यूमन एक्शंस की एक्टिंग आराम से कर लेता था। पर एक स्टडी में यह पाया गया कि एप्स जब खुद में बात करते हैं तो वह खुद से साइन लैंग्वेजेस को यूज करते हैं जिससे कि वह प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर पाए। आज के समय साइंटिस्ट भाषा से ज्यादा साइन लैंग्वेज पर रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि यह बहुत इजी है, और अगर हम किसी भी वे से जानवरों से कम्युनिकेट करना सीख जाए तो यह हम इंसानों और जानवरों के बीच की दूरी को कम कर देगा। इससे लोग जानवरों की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाएंगे, उसे ज्यादा प्यार करेंगे, उन्हें प्रताड़ना नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम फ्यूचर में किसी भी और पिंड में कॉलोनी बनाए तो हम सिर्फ इंसानों को लेकर वहां थोड़ी जाएंगे, हमें जानवरों का भी ख्याल करना है, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बार जानवरों से किसी भी रूप में बात करना शुरू हो जाए तो हम फ्यूचर में टेक्नोलॉजी एडवांस करके उनसे और भी अच्छे वे में कम्युनिकेट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको दोस्तों पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।